देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल गैस टेकन थ्रू अ साइकिल ए टू बी बी टू सी सी टू ए एंड सोन इन फिगर इन द नेट हीट ऑफ द सप्लाई ऑफ द गैस ऑफ द साइकिल 5 जूल द वर्क डन एट द प्रोसेस ए टू बी। ए से बी में कितना एनर्जी खर्च हुई है पूछा। टोटल में साइकिल कंप्लीट करने में कितनी है, टोटल अगर हीट रिक्वायर्ड कितनी है 5 जूल है, मतलब टोटल डेल्टा क्यू की वैल्यू दे रखी है। सिंपल है, बस थोड़ा बहुत लॉजिकली अपने को सोचना पड़ेगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 जूल, ओके। और पूछा ए टू बी में बता दो। अब देखो अपने को ये पता है कि अगर मैं वर्क डन बी टू सी बात करूँ, वर्क डन बी टू सी, चलो मैं चलता हूँ कैसे, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी प्लस वर्क डन सी टू ए इक्वल टू 5 जूल। अच्छा, वर्क डन ए टू बी फाइंड करना है, ओके। तो लिख देता है ऐसे, वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी। वर्क डन बी टू सी आपने पता है जीरो है, क्योंकि डेल्टा भी कितना जीरो। और वर्क डन सी टू ए, वर्क डन सी टू ए कितना लिखूंगा मैं, ओके। अब देखो वर्क डन सी टू ए का लिखने का तरीका क्या करूंगा, 1, ओके। और वी में चेंज कितना हुआ, 4 माइनस 2, 2 इंटू 2 प्लस वर्क डन सी टू ए हो गया वर्क इजकल टू, बस सी टू ए तो लिख लिया हम लोगों ने, इजकल टू 5 लगा दो, सॉल्व कर लो। 8 2 1 1 तो वर्क डन ए टू बी इजकल टू 3 जूल। क्या था इसमें, ठीक है, कितना आया 3 जूल आया बस। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में है 3 जूल, 3 जूल ऑप्शन टिक करिए।